हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी का कुनबा बढ़ गया है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही अकाली दल के विधायक बलकौर सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए। योगेश्वर दत्त और संदीप सिंह हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। इस मौके पर दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि बीजेपी ने देश को नई दिशा दी है, वो बीजेपी की नीतियों और कार्यों से प्रभावित हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की अध्यक्षता में तीनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। आज तीन बड़ी शख्सियत शामिल हो रही हैं, इस परिवार के अंदर जुड़ रही हैं। तीनों का अपने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान है, अहम योगदान है। योगेश्वर दत्त के बारे में अनिल बलूनी जी ने बताया, इनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में, और दूसरा संदीप सिंह, ये पूर्व कप्तान भारतीय हॉकी टीम के रहे हैं। इनके साथ साथ सरदार बलकौर सिंह जी विधायक हैं काड़ावाड़ी के सिरसा जिला से, ये भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे तीनों ही शख्सियत का मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन करते हुए उनका धन्यवाद भी करता हूँ। ज्वाइन करने का राजनीति में आने का मेरा एक यही मकसद है कि मैं देश की सेवा करूं, लोगों की सेवा करूं, और मोदी जी से प्रभावित होकर मैंने फैसला लिया कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं, बीजेपी में शामिल होकर इस बीजेपी परिवार का हिस्सा बनूं। क्योंकि अभी काफ़ी पहले से काफ़ी टाइम से मैं मोदी जी को फॉलो करता हूँ, और ये साल 2070 हटाई है, उससे तो एक पूरे देश में एक नई क्रांति आई है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया कि राजनीति में आगे भी अच्छे काम किए जा सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स नीतियों से, युवाओं नीतियों से, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हुआ हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल जी से, उनकी काबिलियत और उनकी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हूं, और मैं इसीलिए बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि अब तक देश की सेवा एज ए स्पोर्ट्स पर्सन की है, और अब मैं हर क्षेत्र में चाहता हूं कि हमारी इम्प्रूवमेंट हो, जहां जहां मैं भागीदारी दे सकूं और देश की सेवा कर सकूं। हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के हित के लिए काम इतना कर रहे हैं, हर एक आदमी इससे प्रभावित हो रहा है, और जैसे 370 हटाई गई है जो देश के हित के लिए बहुत बड़ा जरूरी कदम है, वो उठाया गया है, देश का विकास हो और प्रदेश का विकास हो, खास करके श्री मनोहर लाल जी खट्टर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने निरंतर सबका साथ सबका विकास की एक बहुत बढ़िया नीति लेकर हरण का बहुत बढ़िया विकास किया है। इसी मद्देनजर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है।